राधे राधे दोस्तों, इस पोर्च में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दशा माता व्रत की जानकारी। साल 2024 में दशा माता का व्रत कब है, कैसे करें व्रत, व्रत की विधि, पूजा की विधि के साथ पूजा की सामग्री के बारे में जानेंगे और जानेंगे महत्व और व्रत लाभ के साथ व्रत के नियम भी। दशा माता का व्रत चैत माह के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि के दिन किया जाता है। ऐश्वर्य सुख शांति और आरोग्य की कामना के साथ महिलाएं ये व्रत करती हैं। इसमें महिलाएं शुभ मुहूर्त में पीला धागा गले में धारण करती हैं। दशा माता की कृपा से परिवार की बिगड़ी हुई दशा ठीक हो जाती है। दशा खराब हो तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पूरी कोशिश करने पर भी जब कोई काम पूरा नहीं होता है तो ऐसे ही संकटों से उबारने वाला व्रत है दशा माता का व्रत। इस व्रत को जो भक्ति भाव से करता है उसके घर से दुख और दरिद्रता दादा के लिए दूर हो जाती है। तो ये था दशा माता व्रत का महत्व। और अब जानते हैं दशा माता का पूजन करने से क्या लाभ होते हैं, हमें व्रत क्यों करना चाहिए। दशा माता का पूजन मुख्यतः घर की बिगड़ी दशा सुधारने के लिए किया जाता है। यदि मेहनत करने के बाद भी घर में धन का अभाव बना हुआ है, आय से अधिक खर्च हो रहा है तो दशा माता पूजन अवश्य करना चाहिए। घर में रोग ही रोग हो, कोई ना कोई ना कोई सदस्य लगातार बीमार रहता हो तो ऐसी स्थिति में दशा माता का पूजन रोग दूर करता है और रोगों पर हो रहे खर्च को बचाता है। इसके साथ ही कई बार भाग्य की रुकावटें रहती हैं, भाग्य चमक नहीं पाता। घर के युवक युवतियों के विवाह में बाधा आ रही हो, दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो तो दशा माता का पूजन करने से इस तरह के सारे संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। और आप जानते हैं दशा माता व्रत की डेट और तिथि। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि 3 अप्रैल बुधवार की शाम को 6:29 से लेकर के 4 अप्रैल गुरुवार की शाम को 4:14 तक रहेगी। इस तरह से ये तिथि 2 दिन तक रहेगी। और व्रत कब किया जाएगा, ज्योतिषाचार्य के अनुसार चूँकि चैत्र कृष्ण दसवीं तिथि का सूर्योदय 4 अप्रैल गुरुवार को उदय होगा, इसीलिए इसी दिन दशा माता व्रत किया जाएगा। तो ये थी दशा माता व्रत की डेट और तिथि। अब जानते हैं दशा माता का पूजा का विधि विधान क्या है, कैसे करनी चाहिए दशा माता की पूजा। सबसे पहले जानते हैं दशा माता की पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। दशा माता पूजा सामग्री में रोली, मौली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप, काजल, गेहूँ, धूप, दीप और मेहंदी आदि का इंतजाम कर लें। साथ में सफ़ेद धागा लें और उसमें गांठ बना लें, फिर उसे हल्दी में रंग लें। इस धागे को दशा माता की बेल कहते हैं। दशा माता का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं शादी का जोड़ा या नए लाल वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करके ये पूजा करती हैं। इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले दूर से पीपल की पूजा करती हैं। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं। पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में दशा माता की मूर्त या चित्र की पूजा की जाती है। मूर्ति चित्र नहीं हो तो नागर बेल के पान के पत्ते, जो पूजा में काम आने वाला डंडी और नोक वाला पत्ता हो, उस पर चंदन से दशा माता बनाकर पूजा की जा सकती है। ये पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के पेड़ के पास या घर पर कर सकते हैं। दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं। भोग के रूप में नैवेद्य, लापसी, चावल आदि चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख सौभाग्य व मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुनरी ओढ़ाई जाती है और 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती हैं। लड्डू, हलवे, लापसी या मीठे
रोट आज का वो 10 ढेरियों के पास रखा जाता है। 10 गांठों का डोरा पूजा में रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाली डोरी का पूजन अक्षत पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं। पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके पश्चात दशा माता की आरती गाई जाती है। इसके बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा कहते और सुनते हैं। कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद भी कही सुनी जा सकती है। कुछ लोग 10 कहानियाँ सुनते हैं और पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का पूजित नया डोरे को गले में बांध देती हैं। इस धागे को व्रती महिलाएं पूरी साल धारण करती हैं। इसके बाद गेहूं भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाती हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा पीपल की जड़ के पास मिट्टी में दबा दिया जाता है या पीपल में बांधा जाता है। पीपल के व्रत की पूजा की जाती है। कहीं कहीं दशा माता की पूजन के बाद बटवारी पूजन भी किया जाता है। तो ये थी दशा माता की पूजा का विधि विधान। और आप जानते हैं दशा माता व्रत के नियम के बारे में, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए दशा माता व्रत में। इसमें एक बार जो दशा माता व्रत करना शुरू करता है उसे जीवन पर्यंत इस व्रत को करना पड़ता है, यानी बीच में इसे व्रत को छोड़ नहीं सकते। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और इसके साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरच कर गेहूँ के दानों के साथ घर लाते हैं। इसे साफ कपड़े में लपेट कर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है। और व्रत के संकल्प की पूर्ति के रूप में 10 पूरियां, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। और दशा माता की पूजा विधि पूर्वक करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके साथ ही दशा माता व्रत में घर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि घर में कोई अनावश्यक वस्तु हो तो उसे घर से बाहर निकाल दें और उचित साफ सफाई भी करें। और इस व्रत में भोजन से संबंधित भी अनेक नियमों का पालन किया जाता है। जैसे कहीं सिर्फ पूजा की जाती है तो कहीं एक समय भोजन किया जाता है। इस व्रत में बिना नमक का भोजन जरूर करना चाहिए। इसके साथ दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर में मात्र एक बार अन्न का सेवन करती हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि दशा माता व्रत को विधि विधान सच्चे मन भक्ति भाव से करने पर एक साल के भीतर जीवन से जुड़े दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। दशा माता का व्रत महिलाओं को पवित्र भाव से करना चाहिए, यानी इस दिन किसी भी तरह का कोई बुरा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही दशा माता व्रत के दौरान पूजा का धागा गले में पहना जाता है। इसे कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। अगर ये टूट जाए तो इसे किसी नदी में श्रद्धापूर्वक प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन घर का पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। यथासंभव आवश्यकता की वस्तुएं एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें। दशा माता पूजन के दिन किसी को पैसा उधार भी ना दें। इस दिन अपने घर की कोई वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए और न ही किसी से कोई वस्तु या पैसा मांगना चाहिए। इसके साथ ही दशा माता का व्रत जीवन में जब तक शरीर साथ दे तब तक किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव में करना शुभ माना जाता है। घर में इस व्रत के दिन विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है और अनावश्यक अटाला कचरा टूटा फूटा सामान बाहर फेंक दें। साथ ही सफाई से जुड़े सामान यानी कि झाड़ू आदि खरीदने की
परंपरा है। तिथि दशा माता व्रत के नियम, इन नियमों का पालन व्रती को अवश्य करना चाहिए। और आप जानते हैं कि दशा माता का डोरा कब खोलें, कैसे खोलना चाहिए। दशा माता का डोरा साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन यदि दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोलकर रखा जा सकता है, उस दिन व्रत करना चाहिए और सांप्रदायिक माता की कहानी सुननी चाहिए। और यदि आप इतना भी नहीं पहनना चाहें तो जिस दिन पहनते हैं उसी दिन डोरे को रात के समय उतार कर पूजा के स्थान पर रख दें और अगले वर्ष पूजा के बाद पीपल की जड़ में दबा दें। तो ये था दशा माता का डोरा खोलने का समय और उसकी विधि। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दशा माता 2024 की। और अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करके कि हम आज्ञा चाहते हैं, आप और आपके पूरे परिवार पर दशा माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है कि आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप सभी साथियों का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।